is Abhijit Sawant and you are watching M&S News. नमस्कार, मैं रवीना M&S News Live में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइन पर। दो साल से सरकार ने फीस नहीं दी तो 50 गरीब बच्चों ने छोड़ा स्कूल। खुले में पेशाब करने वाले पर तगड़ा जुर्माना। बिजली विभाग की गलीज से परेशान है किसान। अब खबरें विस्तार से। दो साल से सरकार ने फीस नहीं दी तो 50 गरीब बच्चों ने छोड़ा स्कूल। रायपुर शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की सरकार फीस नहीं भर पा रही है। आरोप यह है कि राज्य में पिछले दो साल से RTE के तहत फीस निजी स्कूल तक नहीं पहुंची। ऐसे में इस बच्चों को निजी स्कूल का भी बोझ मानने लगे हैं। इन बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ा, जिला शिक्षा अधिकार की जांच की करवा रहे हैं। RTE से पीछे हटने के वजह से सरकार गंभीर चिंता नहीं ले। खुले में पेशाब करने वाले पर जुर्माना। नगर निगम रायपुर ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सभी जोन को निरंतर के साथ जन जागरण अभियान चलाने को कहा है। सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए उड़न दस्ता बनाकर लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जोन 7 के अमले ने नालियों में कचरा फेंकने वाले 21 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 2,200 रुपए का जुर्माना वसूला है। बिजली विभाग की गनी से परेशान के किसान। साझा क्षेत्र के किसान बिजली विभाग की गनी से परेशान नजर आ रहे। पूर्व सरकार किसान को 6,000 यूनिट का बिजली माफ किया था, लेकिन अभी इस माह में किसान को 20-20 हजार का बिल थमाया जा रहा है, जबकि यूनिट